फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचपी लाइट 2015 का क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको डिस्कस करके हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉरी फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है विच रिवर डिवाइड्स रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गिरी। गिरी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जो है दो भागों में बांटती है। ठीक है, और वैसे ही ऊना की जो स्वां रिवर है वो भी ऊना को डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेन एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने का कि सबसे ज़्यादा कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, वो आपको पता होगा स्पीति में होती है। स्पीति कहाँ पड़ता है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम है पिनवली नेशनल पार्क। ठीक है, सो मूव है टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट एच पी इज लामा डेल लेक। ठीक है, डल लेक हिमाचल की जो है लामा डल लेक जो है किस जिले में पड़ती है, वो पड़ती है चंबा में। चंबा में पड़ती है घासू लेक। ठीक है, और किन्नर लेक भी पड़ती है। ठीक है, कैलाश लेक जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, खजियार लेक पड़ती है, चमेरा लेक पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और बहुत सारे लेक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। की सबसे जो रिवर है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तेकपो। हिमाचल में जो भी ये क्वेश्चन जो है वो रिवर के ट्रिब्यूटरी भी पूछी जाती है कि उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ फोजल, फोजल जो है वो किसकी है। ठीक है, ये है सतलुज की। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, विच रिवर ऑफ एच पी इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज द रिवर ऑफ सोरो। शोक की नदी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है स्वां नदी को, जो कि बहती है ऊना जिले को में, बहती है और दो भागों में बांटती है, जैसे कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, ऊहर जो है वो ब्यास की नदी है। ठीक है, ब्यास की एक मतलब सहायक नदी है। बनेर जो है वो बनेर भी जो है ब्यास की है। ठीक है, और सियोल जो है वो है रावी की। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच डेटी इज मणिकर्ण एसोसिएटेड। ठीक है, तो कुल्लू घाटी के मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है शिव के साथ। ठीक है, और ये पड़ती कहाँ पे मणिकर्ण, ये पड़ती है मंडी में, शायद कुल्लू में, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द वाटरफॉल इज नॉट इन लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सतधारा वहाँ पे है, कालिका भी वहीं पे है, अब धनखड़ भी वहीं पे है, कोपरा नहीं है। ठीक है, कोपरा वहाँ पे नहीं है, चंबा में नहीं है, और एक यहाँ पे वो भी है, सतधारा हो गया, धनखड़ और कालिका। ठीक है, ये तीनों जो है वो चंबा में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आपको पता ही होगा कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो है बड़ा शिगड़ी। ठीक है, जो कि पड़ता है लाहौल स्पीति में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इन विच डिस्ट्रिक्ट एच पी चुलांग पीक। चुलांग चोटी जो है वो किस जिले में पड़ती है, वो पड़ती है जी कांगड़ा में। ठीक है, ये चीज़ आप रखें, कन्फ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पास जो इन कांगड़ा एंड चंबा, इन इन तीनों में से जो कौन सा जो दर्रा है जो कांगड़ा को चंबा को जो आपस में जोड़ता है, वो जोड़ता है जी वारू दर्रा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा कोई क्वेश्चन ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उनमें से जो है तपोवन इज द राइट आंसर। तपोवन जो है वो आपको पता है पड़ता है धर्मशाला में, नगर कैसल, लोहरी कार्ड गैली, नेहरू कुंड, ये तीनों पड़ते हैं कुल्लू में। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1997 ईस्वी में शिमला का जिले का कौन सा गांव आंध्रा में बह गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, वो बह गया था चढ़गांव। ठीक है, इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच लोकेलिटी ऑफ चंबा इज हरी राय मंदिर किस इलाके में है, दैट इज चौगान।
पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बसोली में। ठीक है, पिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय द गद्दीज इन एचपी, चंद, भोज, नवाला, भुंडा। नवाला जो है वो गद्दी एक ट्राइब है जिसे माना जाता है, उसके द्वारा मनाया जाता है। भुंडा 12 साल के बाद त्यौहार मनाया जाता है। चांद ये भी मतलब कि किन्नौर के जो कुल्लू में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज नरवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर? ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। ठीक है, इन विच रीजन ऑफ एचपी इज बघाटी डायलेक्ट स्पोकन? ये मनाई जाती बोली जाती है सोलन में। वेयर इज फूड डेमो, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फूड डेमोस्ट्रेशन फार्म कहाँ स्थित है? वो खरीदा जी अंजोली में। ठीक है, फिर अभी इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद अदर पीपल्स। ओके, थैंक यू।